उधर 18 अगस्त को होने वाले बंद को सफल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरा भी कर रहे हैं। इसी तरह शुक्रवार को अभय चौटाला भिवानी के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर नशा माफियाओं और अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार के संरक्षण के कारण प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। अब चुनाव नजदीक आ गया, मौत सिराने आके खड़ी होगी, इसलिए कैसे लोगों के बीच में कल को जाएंगे, तो आज उन्होंने अखबारों में भी कहना शुरू कर दिया और अखबारों के साथ साथ पार्लियामेंट में भी सवाल उठ गए। जब मुख्यमंत्री थे तेरे पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब आप लोगों ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाई, तब आपको SYL नजर नहीं आई। आज SYL नहीं नजर आ रही, आज तो मतदाताओं के बीच में जाने का रास्ता बनाने के प्रयास है। ये लोगों में एक नई और आदत डालेंगे ताकि लोग काम ना कर सकें। लोग कोई खेती करने वाला है, कोई छोटा मोटा धंधे करने वाले हैं, उनको ताश देख करके उसमें बिजी करने का काम करें। ये तो ये मान के चलो किसान को कैसे मारा जाए, इसके लिए हर तरह के धंधे अपनाने का काम करें। कृषि मंत्री का क्या है, कृषि मंत्री को तो जब कभी ओले पड़ते हैं तो नाचने का मन करता है, जब कभी किसान की फसल लूटी जाती है तो फिर ये ढोल पीट करके फिर नाचता है। अब की बार मैंने कहा ढोल की लेकर के जाऊंगा, हर हालत में ढोल की लेकर के जाऊंगा, ढोल बजवा के हमारे MLA से कहूंगा कि अब ये ढोल बजा रहे हैं, तू इनके सामने खड़ा होकर के नाच, इस बात पे नाच कि हमने किसान को बर्बाद कर दिया।